अच्छा नमस्कार भाई साहब। अरे भाभी जी यार, आए हाय भाभी जी घोर तो देख, ससुरा कितनी रसीली है। भाभी जी आपके होठों में इतना रस आता कहाँ से है, बताइए ना। बताओ बताओ। अरे बता भी दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मत बताओ भाई साहब, भाभी जी की तो हम लेकर ही रहेंगे। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, घबराइए मत भाई साहब, अभी तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी तो हम लेकर ही आएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हम कमिटमेंट करें उसे पूरा भी करें, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। इससे पहले कि भाभी जी के नाम पर मेरी खोपड़ी सटके, उससे पहले गौर से सुन, मुंबई शहर का हर एक बिल्डर मुझे पैसे देते हैं, चाहे वो घर वालों को दे या ना दे, पुलिस वालों को दे या ना दे, मगर मुझे जरूर देता है। तो भाई साहब आपने क्या सोचा है, पैसे देना या जान देना? कल शाम 5 बजे तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना भाभी जी की नरम नरम होठों की कसम, अय है ये भाभी जी के होठ जब भी देखता ना, ससुरा दिल में कुछ कुछ होने लगता है। ना ना भाई साहब आप मत घबराइए, ये पैसा क्या है, ये तो बस मोह माया है, ना तेरा है ना मेरा है, ये तो बस वक्त की हेरा फेरी है। तो भाई साहब चलता हूँ मैं, मगर याद रखना कल शाम 5 बजे तक।